काका, गायत्री कहाँ है? उस दिन जब हम साई के साथ वनभोज कर रहे थे तो वो हमें मिली थी और उसने साई से वादा भी किया था कि वो रोज पाठशाला आएगी, लेकिन वो आई नहीं। भाईजा का साई कहाँ है? वो तो परसों शाम से कहीं गया है, लेकिन कहाँ गया है कोई नहीं जानता। सुन लिया? लेकिन बात क्या है सरकार? हाँ हाँ, बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। बेला, तो बताओ वहां क्या हुआ था? गायत्री ने क्या वचन दिया था? घबराओ मत, बोलो। उसने अपनी कविता सुनाई और बाद में साई ने उससे वादा भी लिया कि वो अपनी पढ़ाई और कविता लिखना कभी नहीं छोड़ेगी। शाबाश। सुन लिए बच्चों की बात? क्या तुम्हें आप भी लगता है कि तुम्हारा विश्वास सही है? क्या उस फकीर ने तुम्हारी बेटी को भड़काकर यहां से नहीं भगाया? हुआ क्या है सोपान? हाँ? होना क्या है भाईजाक का? वो फकीर चाहता है कि सोपान की बेटी गायत्री पढ़े। वैसा वचन भी लिया है गायत्री से उसने, लेकिन सोपान चाहता है कि अपनी बेटी की शादी हो जाए। और पूरा गांव जानता है कि जब वो फकीर ठान लेता है तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सोपान ने अपनी बेटी की पढ़ाई बंद कर दी तो उस फकीर ने गायत्री को भड़काकर उसे यहां से भगा दिया। हरिओम। इतने वर्ष बीत गए सरकार, साई के विरुद्ध आपकी कही एक भी मनगढ़ंत बात सही सिद्ध नहीं हुई। अब तो छोड़ दीजिए। साई ऐसा कभी नहीं करेगा। सोपान, तुम तो साई को जानते हो, तुम कैसे सरकार की कोरी कल्पना पर विश्वास कर सकते हो? भाईजाक का, सोपान की भावनाओं के साथ मत खेलिए। क्या आप ये नहीं जानती कि वो फकीर बाल विवाह के विरोध में है? बताइए। हाँ सोपान, साई बाल विवाह के विरुद्ध है। उसका मानना है कि बच्चे तो ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। बाल विवाह करके हम ईश्वर के आशीर्वाद का अनादर तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों का जीवन अंधकारमय कर देते हैं। विवाह जितनी बड़ी जिम्मेदारी इतने छोटे से बच्चे नहीं उठा सकते हैं। अगर साई यहां होता तो वो भी तुमसे यही कहता सोपान। पीठ पीछे वार करना साई के फितरत में ही नहीं है।
और साई तो परसों शाम से यहाँ नहीं है, जबकि आज सुबह ही गायत्री यहाँ आई थी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.